आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम एक बड़े ही परम पवित्र धाम ग्राम धाम धूसर आए हुए हैं। यहाँ पर एक परम दिव्य मंदिर बना हुआ है। हमारा मन हुआ कि इस मंदिर में जो दिव्य श्री विग्रह है उनके दर्शन अपने दर्शकों को करवाए जाएं। सुंदर परिसर बना हुआ है। गुरु महाराज जी सादर जय सियाराम जी की। जय सियाराम जी। गुरु महाराज जी अपना परिचय दें प्रभु। पंडित वीरेंद्र शर्मा जी अमोदा में निवास करता हूँ। अच्छा अच्छा। और ये ग्राम धामदूसर में मंदिर की पूजन है। अच्छा, मंदिर की पूजन है आपकी। और पुरोहिताई भी है। अच्छा, यहाँ की पुरोहिताई भी है जी। जी गुरु महाराज जी, यहाँ पर साल में कथा भागवत यज्ञ इत्यादि होते हैं? हाँ, सब चलता रहता है। अच्छा, ये साल भर चलता रहता है। जी जी। पर दिव्य अखंड ज्योति जल रही है और यह दिव्य अखंड ज्योति पिछले कई वर्षों से यहाँ पर प्रज्वलित है। कहते हैं कि अनंत बलवंत हनुमंत लाल के इन श्री विग्रह के दर्शन करने जो भक्तजन आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिनकी मनो इस प्रकार से हमने यहाँ के जो प्रधान पुजारी जी महोदय है इनका परिचय जाना। अब यहाँ पर जो दादाजी का श्री विग्रह है आप लोग इसका दर्शन करें। देखिए कैसा विलक्षण दिव्य श्री विग्रह है। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी द्रोणागिरी पर्वत उठाए हुए और चले जा रहे हैं। यह उस समय का दिव्य श्री विग्रह है। ये चित्रण जो मूर्तिकार ने किया है कि जब लंकापुरी में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत लेकर के लंकापुरी जा रहे थे, यह श्री विग्रह उसी समय का चित्रण इस श्री विग्रह में किया गया है। कुछ प्राचीन श्री विग्रह दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए गुरु महाराज से जानते हैं इनके विस्तार के साथ में। महाराज जी, ये जो श्री विग्रह यहाँ पर दर्शन के लिए उपस्थित है इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। माता रानी विराजमान है जी। प्राचीन वर्षों से यहाँ पे विराजमान है। अच्छा अच्छा। साथ में परिवार भी है। अच्छा, शिव परिवार भी है जी। और वीर महाराज। अच्छा, वीर महाराज कहाँ पे हैं? ये इधर वीर महाराज है। ये पुरानी। अच्छा अच्छा। ये अभी नई स्थापित। अच्छा, ये प्राचीन पुरानी मूर्ति है। हाँ। जी भगवान अपना परिचय भी दीजिए प्रभु जी। जी देवेंद्र सिंह यादव जी। देवी सिंह। अच्छा, देवी सिंह जी यादव। देवेंद्र सिंह जी यादव ग्राम धामदूसर। तो ये देवेंद्र सिंह जी यादव जो कि धामदूसर निवास करते हैं, इन्होंने बताया कि ये जो पीछे मूर्ति दिखाई दे रही है प्राचीन मूर्ति है और फिर एक दूसरी नवीन मूर्ति की स्थापना ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर भी ये की गई है जी। बाकी यहाँ पर जो श्री विग्रह विराजमान है इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये शिव जी का श्री विग्रह है। अच्छा, और ये नंदीश्वर है। ये इधर जो है ये किनका है? कार्तिकेय जी। ये कार्तिकेय स्वामी है। और इधर ये गणपति जी है जी। और ये गणपति जी के पास में ये किनका श्री विग्रह है भगवान? पार्वती जी। पार्वती जी का। तो देखिए ये यहाँ पर पूरा शिव परिवार विराजमान है। ये भगवान भोले हैं और जलाधारी में नाग देवता है।
नंदी विराज होती है वहाँ कालपदेवी की है। ये नंदीश्वर हैं, इधर कार्तिकेय स्वामी हैं, गणपति जी हैं और माता पार्वती जी हैं। तो बंधुओं आज के लिए बस इतना ही शेष, फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।